Assalamualaikum, welcome to our mommy's kitchen. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे. आज हम बना रहे हैं सीख कबाब, क्योंकि बड़ी ईद आ रही है और सीख कबाब सबके घरों में बनेंगे. और आप अगर इस रेसिपी को ट्राई करेंगे ना, तो आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा फ्लेवर आएगा, तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा. तो चलिए चलते हैं सीख कबाब बनाने. इसके लिए हमें चाहिए कीमा, ये हम चिकन में बना रहे हैं. आधा किलो कीमा है, इसको दो बार चॉपर से निकाल लेना है. दो अदद दरमियानी प्याज है, इसको भी चॉपर में चॉप करना है और इसका पानी भी छोड़ लेना है. तीन से चार अदद हरी मिर्ची है, इनको चॉप कर लेना है. एक टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है. चाट मसाला है, वन टीस्पून ये जीरा है हमारे पास. जीरे को भून के पीस लिया है हमने, आपको ड्राई करना है जीरा. और धनिया, ये धनिया एक टेबल स्पून है, जीरा वन टीस्पून है. इनको भून लेना है और फिर इनको अधकुटा कर लेना है. काली मिर्च पाउडर है, ये हाफ टी स्पून है. नमक है हमारे पास, ये दो टी स्पून है. अगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से अगर आपको हल्का पसंद है तो आप बेशक इसको हल्का कर लें. गरम मसाला पाउडर है, ये हमारे पास हाफ टी स्पून है. लाल मिर्च पाउडर है, ये हमारे पास वन टी स्पून है. टू टेबल स्पून घी है, टू टेबल स्पून हमारे पास मैदा है. इसको हमने अच्छी तरह भून लिया, तवे पे भून लें मैदे को. और हाफ टी स्पून हमारे पास हल्दी पाउडर है. चलिए अब हम सारी चीजें मिक्स कर लेते हैं. सबसे पहले हम ये कीमा ले रहे हैं, ये आधा किलो कीमा है. दो अदद दरमियानी प्याज है. तीन से चार अदद हरी मिर्चें हैं. वन टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है. वन टीस्पून जीरा है. वन टीस्पून चाट मसाला है. हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर है. वन टेबल स्पून धनिया है. टू टीस्पून नमक है हमारे पास. हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर है. वन टी स्पून हमारे पास लाल मिर्च पाउडर है. हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर है. ये मैदा भुना हुआ दो टेबल स्पून है. और दो टेबलस्पून हमारे पास घी है. अब हम इन सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फिर इसको धुआं लगाएंगे कोयले का. अब हम इसको कोयले का धुआं लगाएंगे. उसको पहले हमने तपा लिया है. ये सीख पे लगा के ना कबाब की शेप बना लें और फिर इसको थोड़ी देर के लिए हम फ्रीजर में रखेंगे ताकि वो अपनी शेप अटेन कर ले प्रॉपर. घी का ऑयल का हाथ लगा लगा के आपने बनाने. और फिर जब ये बन जाएंगे तो आप इसको चाहे फ्राई करके खाएं या आप सालन बना के खाएं.
कबाब हमने बना के फ्रीज कर लिए थे और अब हम ग्रेवी बनाने लगे हैं। फ्रीज हुए हुए कबाबों को फ्राई करेंगे और फिर ग्रेवी बना के उसके अंदर कबाब शामिल कर देंगे। तो कबाब ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए ऑयल है, आधी प्याली ऑयल है, तकरीबन एक कप घी के बराबर, एक या डेढ़ कप। ये घी ऑयल गर्म हो गया है, अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं 3 से 4 हरी मिर्चें कटी हुई। खुशबू निकल आएगी, हम उसमें टमाटर शामिल कर देंगे। ये 4 अदद टमाटर हैं, ये हम शामिल करेंगे। साथ ही हम डाल रहे हैं 1 टीस्पून कुटी मिर्चें और 1/2 टीस्पून डालेंगे हम नमक। ग्रेवी में अब हमने कबाब डाल दिए हैं फ्राई हुए हुए, आपने देखा। जब तक अब हम इसको उसमें रख के थोड़ी देर दम पे रखेंगे जब तक ये मसाला घी ना छोड़ दे, और फिर मसाले वाले सीख कबाब तैयार हैं। इनको आप बगैर मसाले के भी खा सकते हैं, चटनी दही के साथ सर्व करें। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।